गाइज, आज है इंटरनेशनल योगा डे और हम बात करेंगे कि हाउ योगा इज बेनिफिशियल फॉर बॉडी बिल्डर्स। मैं आपको पांच ऐसे आसन बताऊंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा आपके वर्कआउट करने में। यूजली योगा हम करते नहीं हैं, जिम किया 1.5 घंटा, वापस आ गए कार्डियो किया। बट वाई योगा इज़ इंपॉर्टेंट, विच आई ऑल्सो रियलाइज रिसेंटली। मैं कोई योगा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस जितना मैंने सीखा है इस लॉकडाउन पीरियड में उतना आपको बताने की कोशिश करूँगा। मसल्स जब हम वर्कआउट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। एक चीज़ होती है मसल फायरिंग करके, कोई भी आप एडवांस एथलीट्स या किसी भी एडवांस ट्रेनर को सुनेंगे वो बोलेंगे कि जो मसल्स आर नॉट फायरिंग अप। व्हाट डज इट मीन? एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आपकी लेग्स में मान लो 1 करोड़ मसल फाइबर्स हैं, ठीक है? सो व्हेन यू स्क्वाट, एवरी फाइबर शुड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट टू जनरेट पावर, फिर वो पावर से आप वेट उठाते हो। अब उन 1 करोड़ में से अगर मान लो 10 लाख फाइबर आपके डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब वो फायर नहीं कर रहे, उनसे एनर्जी नहीं निकल रही, सिर्फ 90 लाख फाइबर्स काम कर रहे हैं। सो वो 10 लाख फाइबर्स को दोबारा हमें रीएक्टिवेट करना है, एंड योगा इज़ अ वेरी गुड वे टू रीएक्टिवेट सो दैट ऑल द मसल फाइबर्स फायर। अब मसल फाइबर्स डोरमेंट क्यों जाते हैं? उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं हो रही, प्रॉपर मसाज नहीं हो रही, प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं हो रही। बट इफ़ यू डू योगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे विल कम बैक एक्टिवली, उनमें ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी, मेरा नाम है गौरव। योगा हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन करते हैं, मेंटल हेल्थ इनर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है योगा, स्पेशली कोरोना टाइम चल रहा है। सो आई हाईली रिकमेंड यू डू आसन लाइक अनुलोम विलोम। पांच ऐसे आसन बताऊंगा आपको। नंबर वन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, नेक। गाइस, नेक का हम लोग मसल स्ट्रेंथ नहीं करते हैं। उसके साथ क्या होता है, अगर आपका ऑफिस का काम है, लैपटॉप का काम है, जैसे मेरा लैपटॉप का एडिटिंग का बहुत सारा काम है, मोस्टली लोगों का होता है, बैठ के काम करते रहते हैं, नेक हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जो लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते करते नेक की दिक्कत आ जाती है, तो नेक को हमेशा स्ट्रेंथ रखिए। आज के रिसेंट में मैं नेक की मशीन देखता ही नहीं हूँ। सो नेक ऑल्सो हैज अ मसल, सो योर स्पाइन रन थ्रू योर नेक अप टू योर ब्रेन, और उसको सपोर्ट करने के लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोर्ट करने के लिए इट इज़ सराउंडेड बाय योर मसल्स। तो मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, इट इज़ जस्ट, सो आई एम हैंड से मैं इस तरफ धक्का लगा रहा हूँ और आई एम ट्राइंग टू पुट माई हेड इन दिस डायरेक्शन। स्पेशली आई ऑलवेज रिकमेंड, जब भी आप ये मारते हैं, श्रग्स मारते हैं, श्रग्स के बाद देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु गेव मी द सर्वाइवर, ही वॉज अ फिजियो, श्रग्स के बाद हमेशा डायगनल। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं, आई विल ट्राई कि मेरा हेड इस डायरेक्शन में जाए, ऐसे इस डायरेक्शन में, डाइग नॉट योगा सीधा, योगा साइड समवेयर इन बिटवीन दिस डायरेक्शन। सो हाथ से मैं हेड को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा और आपने मुंडी को पीछे, सो माई हैंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, मुंडी पीछे, सेम हेयर। क्योंकि जब आप श्रग्स मारते हैं, जब आप एब्स मारते हैं, डेडलिफ्ट भी करते हैं, तो नेक में काफ़ी स्ट्रेन आता है और नेक की मसल्स को हम ट्रेन नहीं करते। यू स्ट्रेच योर नेक इन ऑल द 4 डायरेक्शन अपनी, जब आप ऐसे करते हैं तो आपके पीछे, जैसे मेरे पीछे रेड डोर, आई एम ट्राइंग टू सी द अदर साइड ऑफ द रेड डोर, सेम आई एम डूइंग हियर, आई ट्राई टू सी अदर साइड ऑफ द रेड डोर। सो नेक स्ट्रेंथ हो गई। नंबर टू एक्सरसाइज करते हैं, हाँ गोल आपको याद होगा, हाँ गोल धीरे धीरे घुमाएंगे। जब हम लोग छोटे थे बचपन में, वो खेलते ना क्रिकेट, तो हमारे सर ये कराते थे और हम लोग बगल में कौन क्या कर रहा है जैसे देखते थे, तो हमारा ध्यान कम लगता था एक्सरसाइज वर्कआउट में, हमें सर क्रिकेट खिलाओ, बैटिंग कराओ सर जल्दी जल्दी। सो गाइस, एक्सरसाइज नंबर टू देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हंसिएगा नहीं, क्योंकि मैंने भी योगा अभी 1-2 महीने पहले शुरू किया भाई, जब से लॉकडाउन हुआ खाली टाइम था। बट मैंने ये देखा है कि जब से योगा शुरू किया है बहुत मिराकुलस चेंजेस देखे अपनी बॉडी में, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4-5 दिन के बाद जो चीज़ एकदम नहीं होती वो होने लगी। सो यू हैव टू लाई डाउन लाइक दिस, ठीक है, और आपने ये करके अपने पीछे पैरों को पकड़ना है। शुरू में मेरे से सिर्फ एक से होता था, दूसरे से होता नहीं था, तो मैं एक करता था, बट अभी होने लगा। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक स्ट्रेंथ, अगर किसी को पेन होता है बैठे बैठे। सो कैमरे के पीछे कैमरा मैंने बताता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, ये हो गया 1 2 एंड पुश आउट एंड फील द कॉन्ट्रैक्शन इन योर लोअर बैक, हो गया, फील द कॉन्ट्रैक्शन इन योर लोअर बैक एंड स्ट्रेच इन द एब्स एरिया इन द कोर एरिया, नेक पूरा पीछे, Slowly come back. You remember when you were in Kanpur, मेरे से एक होता था guys, एक होता था, दूसरा दूसरा यहाँ पे लाओ लाओ लाओ, because as bodybuilders we are pressing so much of weight, हम यहाँ मारते ना, ये क्या कहते हैं, रोइंग मारते ना, तो ये रोइंग, ये लैच इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं और ये पीछे हाथ घूमता नहीं है। सो जब मैंने कहा था मसल फाइबर फायर नहीं होते, मतलब वो स्टिफ हो जाते हैं।
अगर आपने जैसे स्टिफ का मतलब क्या है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये देखिए छोटी हो गई बाइसेप, ये बाइसेप बड़ी हो गई, छोटी हुई बड़ी हुई, सो वो स्टिफ हो जाते हैं, मसल फाइबर्स चिपक जाते हैं, बीच से ब्लड फ्लो नहीं होता। तो देखेंगे विदेशों में कायरोप्रैक्टर मसल फाइबर्स खोलते हैं ऐसे ऐसे, ताकि सेपरेशन हो, ब्लड फ्लो जाए, जितना ब्लड फ्लो जाएगा उतने न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। आप जो खाते हो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, क्रिएटिन, वाटर मॉलिक्यूल्स, दे ऑल शुड गो एंड फ्लो इन द मसल, सो दैट मसल्स को नरिशमेंट मिले और ग्रो करें। गाइस बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आसन, माय प्रोटीन इज थ्रोइंग अ 30% सेल टुडे ऑन इंटरनेशनल योगा डेज, एवरीथिंग यू ऑर्डर विल गेट 30% ऑफ, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में, कोड आपकी स्क्रीन पे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आसन, सो नंबर थ्री आसन इज, हाँ नंबर थ्री आसन इज कि आप अपनी बीवी के सामने ऐसे लेट जाइए, बीवी के सामने और जय माता जी। इस आसन में गाइस क्या करना है, आपने देखा होगा द रॉक ड्वेन जॉनसन वो ये बहुत करते हैं, लोअर बैक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कोर को स्टेबलाइज करेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट यू गो विद वन हैंड एंड वन लेग, और जितना आप आर्क लाएंगे बॉडी में उतना अच्छा है। और दूसरी चीज़ है गाइस, दूसरी चीज़ है कि आप ये नहीं कि इतना उठा रहे हैं, आपकी थाई से पूरा ये उठना चाहिए ऐसा, समझ रहे हो, लोग ऐसे उठाते हैं, द इंटायर थाई शुड बी इन द एयर। बट जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, व्हाट यू कैन डू बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग्स इन द एयर, एग्जैक्टली। आसन नंबर थ्री भी आपको हम यहीं से करा देंगे, तो ये भी मेरे से शुरू में बिल्कुल नहीं होती थी, अब होने लगी है। सो ये आपने पकड़ा ऐसे, ये आपने पकड़ा, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपने बन जाना है धनुष, ये बन गए धनुष, अच्छा करने लगे यार, और क्या, एंड होल्ड इट फॉर 30 seconds। आई विश ही कुड हैव गिवन बेटर एक्सप्रेशन। पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, अपर बॉडी में, फ्रंट में पूरा एक्सटेंशन मिलता है। 5 दिन करें, आपको खुद ही जो आप मूवमेंट्स करते हैं ना, जब आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट मारते हैं ना, आपको लोअर बैक इतनी अपनी खुली हुई लगेगी ना, आपको सही में मज़ा आ जाएगा करने में, और आप देखेंगे कि हाँ अब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर मसल में बढ़ गया है, पंप बहुत ही ज़्यादा उस मसल में बढ़ गया, तो बेनिफिट्स हैं। अब बचा एक लास्ट आसन, फिर अपने स्पेशल इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे, प्लीज़ आइए मैडम। कौन सा, तू करके दिखा, चलो। सो शी विल ट्राई टू एक्सप्लेन, आई एम नॉट डूइंग दिस आसन बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एंड आई नो पीपल विल लाफ एट मी, सो शी इज एक्सप्लेनिंग दैट, चलो। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट आसन, सो आपने क्या करना है ऐसे, अच्छा होता है ये, हाँ मैं कर लेता हूँ, बट नॉट एज परफेक्ट। तो ये आपने करना है गाइज, ये उल्टा धनुष बनाना है आपने, इस आसन का नाम क्या, ओ ये नहीं करना है भाई, यू हैव टू होल्ड दिस पोजिशन, इट विल स्ट्रेच योर इंटायर अपर बॉडी, लोअर बैक को भी कंट्रैक्शन करेंगे, बोले चल सकती है ऐसे केकड़ा बन के, चल सकती है, लोग चल लेते हैं, लोग ने यू दिस यू डू दिस, ओ चल तो रही है, मोटे हैरा मेरे, रात को सपने में आएगी तुम डरावनी औरत। थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और प्लीज़ ये 5 आसन को आप इनकॉर्पोरेट करके देखिए, वर्कआउट के पहले बाद या घर पे कभी भी कर सकते हैं, डेफिनेटली फील अ लॉट ऑफ रिलीफ एंड रिलीज इन योर मसल। थैंक यू वंस अगेन, नमस्कार एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, योगा से होगा है ना।